रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं ने बुजदिलाना वार किया है। माचका में डाकुओं ने पुलिस की गाड़ियों पर रॉकेट हमला और फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 12 पुलिस अहलकार शहीद हो गए जबकि 8 जख्मी हुए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की दो गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थी, एक गाड़ी खराब तो डाकुओं ने घेराव करके रॉकेट हमला किया फिर फायरिंग कर दी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। कच्चे में फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं ने बुजदलाना हमला किया। माचका में डाकुओं ने पुलिस की गाड़ियों पर रॉकेट हमला और फायरिंग की। बेकाबू पुलिस अहलकारों को भी निशाना बनाने लगे। माचका में पुलिस की गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला फायरिंग भी की, कई पुलिस अहलकार शहीद और जख्मी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस की दो गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने अचानक रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों में हेड कांस्टेबल नजर अब्बास, अजय राम, अब्दुल्ला अंसत्तार, अहमद नवाज, मोहम्मद साजिद, राजा कंवल, इमरान भी शामिल। हमले की इत्तला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता होने वाले 5 पुलिस अहलकारों को रेस्क्यू कर दिया गया। जख्मियों को शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान जबकि शहीद अहलकारों की लाशें सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल की गईं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने आला हुकाम के हमरा अस्पताल का दौरा किया। कहा, आखिरी डाकू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डाकुओं को घर में घुसकर मारेंगे, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हम इनको पीछे घुसेंगे इनके अंदर और इनके अंदर घुस के इनके जो इनका इसका इससे जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारी कुर्बानी दी हमारे जवानों ने, शहादत दी है, इसको रहेगा नहीं जाने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब समेत अहम रहनुमाओं का शहीद होने वाले अहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा, पुलिस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर जुराई पेशे अफराद और तखरीबकारों का सदेबाब करते हैं। मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शिनास जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। माचका में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस अहलकार का कहना है कि जख्मी हालत में 5-6 एकड़ तक छुप कर गए, पौने घंटे तक फायरिंग होती रही, मुकामी लोग हमारी मदद को आए। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको भी सुनवाते हैं। घर वापस आ रहे थे तो डाकुओं ने रास्ते में घात लगाई हुई थी, उन्होंने अचानक ना हमारी गाड़ियों पर हमला कर दिया। 6-7 जख्मी है, एक लापता है। भैया हम आ रहे थे, हमारी गाड़ियों पर, चलती गाड़ियों पर उन्होंने अटैक किया है। यकदम से ही उन्होंने घात लगाई हुई थी, रास्ते में फायरिंग हुई है। जैसे ही फायरिंग हुई है हमारे तकरीबन मुलाजिम वहीं पे शहीद हो चुके थे। हम गाड़ियों से उतर कर वहाँ से निकले हैं और बड़ी मुश्किल से ही निकले हैं और क्रॉलिंग करके तकरीबन कोई 4-5 एकड़ हमने क्रॉलिंग की है, वहाँ से निकल कर दूर जा कर कहीं छुपे हैं। उसके बाद हमारी जान बची है। जब हम 1.5-2 घंटा फायरिंग होती रही है तो जब फायरिंग रुकी है तो उसके बाद कुछ मकामी लोग थे वो हमारी मदद के लिए आए हैं, उसमें से हमारे सिर्फ 5-6 मुलाजिम थे जो जख्मी थे। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं ने बुजदलाना वार किया। माचका में डाकुओं ने पुलिस की गाड़ियों पर रॉकेट हमला और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 12 पुलिस अहलकार शहीद हो गए, 8 जख्मी हुए जबकि 5 अहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की दो गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थी, एक गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने घेराव करके रॉकेट हमला किया, फायरिंग भी की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हयात खावर से। जी हयात, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माचका सानिया में शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों की जो डेड बॉडियां हैं उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और कुछ देर बाद उनको रहीम यार खान पुलिस लाइन में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां उनका 2:15 बजे बाद नमाज जुमा उनका जनाजा अदा किया जाएगा। तो जनाजे में हमारे पंजाब के आई जी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला रहीम यार खान पहुँच चुके हैं और वहाँ वो शिरकत करेंगे। और इस वक्त तक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सर जोड़कर मीटिंगें की जा रही है कि उनसे किस तरह निपटा जाए। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो 7 पुलिस अहलकार जख्मी हैं वो शेख जैद अस्पताल में हैं। जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई है उनकी पहले से हालात बेहतर है, अब वो उन कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि कच्चे के अंदर जो डाकू हैं वहाँ उन्होंने पुलिस अहलकार ने इंकशाफ किया कि जी हम गाड़ियों पर जा रहे थे और आगे से घात लगा कर डाकू बैठे हुए थे और उन्होंने हमारे ऊपर
फायरिंग कर दी और हमने बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले और हमारे जो पुलिस एहलकार थे वो मौके पर जो शहीद हुए वो 12 पुलिस एहलकार थे शहीद हुए और 7 पुलिसकार जो है हमारे ज़ख्मी हुए। तो हम बड़ी मुश्किल से खेतों में जान बचा कर निकले और एक पुलिस एहलकार जो है अभी तक भी मिसिंग है। उसके वालिद ने कहा कि जी मैं लियाकतपुर का रिहायशी हूँ और मैं रात से आया हूँ, जैसे मुझे पता चला है कि पुलिस के ऊपर अटैक हो गया है डाकू की तरफ से, तो मैं रात का यहाँ आया हूँ, तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मैं सादकाबाद गया हूँ उसके बाद वहाँ नहीं मिला, अब रहीमिया खान में आया हूँ यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो उन्होंने आईजी पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज साहब से उन्होंने अपील की है कि मेरे बेटे के बारे में मालूम की जाए और मुझे पता है बताया जाए कि मेरा बेटा किधर है। जी जी बहुत शुक्रिया हयात, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। कच्चे के इलाके में पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमले का ये वाकया है जहां पर वज़ीरे आला मरियम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब रहीम यार खान पहुंच गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला कच्चे के इलाके में हमला अवरों के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। पुलिस पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमले का ये वाकया है। अजय पंजाब ने कहा कि डाकुओं ने छुपकर बुज़दलाना हमला किया है, पुलिस का मोराल बुलंद है। बुज़दलाना कार्रवाइयां मुल्क और कौम की हिफाजत में जाने कुर्बान करने वाली पुलिस फोर्स का मोराल पस्त नहीं कर सकती। जबकि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा, जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला का पंजाब पुलिस के अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला मुराद अली शाह के आईजी सिंध को पंजाब पुलिस से राब्ते की भी हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब पुलिस को मदद दरकार हो फौरी फराहम की जाए, मुराद अली शाह की जानिब से यह कहा गया। डाकुओं के खिलाफ पंजाब पुलिस को हर तरह की मदद फराहम करेंगे।